आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिए थे प्यार से जुड़े ऐसे सवाल, फिर महादेव ने बताया प्रेम का असली अर्थ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी थी, यही प्रेम है। भगवान शिव का प्रिय माह सावन प्रेम का प्रतीक है। पवित्र सावन मास के बीच आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि माता पार्वती भगवान शिव की केवल अर्धांगनी ही नहीं बल्कि उनकी शिष्य भी रही। वे नित्य ही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए महादेव से अलग अलग प्रश्न पूछती और उन पर चर्चा करती थी। एक दिन उन्होंने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका भविष्य क्या है, आप तो मेरे गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी तो आप ही का दायित्व है। माता पार्वती द्वारा प्रेम से जुड़े इन तमाम सवालों को सुनने के बाद महादेव ने कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती, प्रेम का रहस्य क्या है, सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूप तो तुमने ही उजागर किए हैं। पार्वती, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन भविन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है। भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। महादेव बोले, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था पार्वती, यही तो प्रेम है। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुण्य मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुण्य जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यह प्रेम ही तो है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जब जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरी क्षुधा को बिना प्रतिबंधन के शांत करती हो और कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त करता हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वह प्रेम की अनुभूति ही तो है। भोलेनाथ ने आगे कहा, जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुमने अपने अस्त्र बहन कर शक्तिशाली दुर्गा के रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशस्त्र बनाया, वे अनुभूति प्रेम की ही तो है। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पांव रखा तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जीभा बाहर निकल आई, वही तो प्रेम था पार्वती। भगवान बोले, जब तुम अपना सौंदर्य पूर्ण ललिता रूप जो अति भयंकर भैरवी रूप भी है उसका दर्शन देती हो और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप जो के उग्र चंडिका रूप भी है उसका अनुभव करता हूँ, जब मैं बिना किसी प्रयत्न के तुम्हें पूर्णतः देखता हूँ, तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, इसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो, मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ, यही तो प्रेम है। जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबंधित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया, यही तो प्रेम है पार्वती।